चॉकलेट टाइम। मेरे साथ सेट पे मौजूद हैं शेजी और उनके चीते। एक आध चीता आलने से गिरता और दोबारा वापस आता रहता है। हमारे साथ हैं शेजी, अंदरून, बैरून, रोमियो और काजू। क्या हाल है आप सबके? जनाब, आपका फीडबैक हमें मिल रहा है, थैंक यू सो मच फॉर लविंग द शो। और जो लोग हमारे नाकदीन हैं, जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके क्रिटिसिज्म से। विदाउट फर्दर एड्यू हम बढ़ते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जनाब, आज की पहली खबर है ये कि वहाज अली, जो इस वक्त हमारे टॉप हीरो हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक तस्वीर लगाई अपने और आयजा के नए प्रोजेक्ट की, जिस पर यमुना जैदी ने लिखा एब्सोल्युटली और उसके साथ बनाया हार्ट का इमोजी, जिस पर नेटिजंस हो गए परेशान और सोचने लगे, अच्छा ये क्या खिचड़ी है भाई? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन भाई। ये साथ है नहीं है, शादी है नहीं है, ये सारी खिचड़ी क्या है, मामला क्या है? यही हैरानी रही उन लोगों को जो फॉलो करते हैं उर्वा और फरहान को, जब उन्होंने डिनर पर इतना खूबसूरत गाना गाया। They are very cute. अल्लाह करे, हमारी दुआएं हैं आप लोग यूं ही सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और गाते रहें। 14 अगस्त को एक बहुत ही एंटिसिपेटेड वेब सीरीज लॉन्च होने वाली थी, जिसमें सजल अली एक मेन कैरेक्टर कर रही थी, फातिमा जिना का। लेकिन हुआ कुछ यूं कि उनकी तस्वीर के साथ प्रोजेक्ट तो हाईलाइट हो गया, लेकिन एक साल से सजल अली ने उस प्रोजेक्ट से हाथ धो लिए हैं। उन्होंने अपनी कोई एसोसिएशन उसके साथ नहीं की, लेकिन जो ड्रामा कंपनी है वो अभी भी सज्जल के साथ ही उसे एसोसिएट कर रहे हैं। भाई ये क्या माजरा है, हमें समझ में नहीं आया। अदनान सिद्दीकी का कहना है कि अगर मुझे पता होता कि मेरे पास तुम हो, इतना बड़ा हिट होने वाला है, तो मैं पैसे थोड़े ज्यादा मांग लेता, मगर अब क्या कर सकते हैं, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। एक नए प्रोजेक्ट फेरी टेल में हमजा, सुहेल और सहर की जो ऑनलाइन केमिस्ट्री है, वही हमें ऑफलाइन भी नजर आती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जावेद शेख ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में एतराफ किया है कि मुझे तलाक नहीं देनी चाहिए थी, जो किया गलत किया, मेरे बच्चों पर उसका बुरा असर पड़ा। जावेद भाई, बात यह है कि अब तो जिंदगी गुजर गई है, बच्चों ने भी सीख लिया है उड़ना। 18 साल की शादी के बाद जब जस्टिन ट्रूडो ने अपनी तलाक का स्टेटस लगाया, तो उस पर नेटिजंस हो गए कंफ्यूज। और मैं ये सोच रही थी कि सिर्फ हमारे यहाँ इतनी ट्रोलिंग होती है, भाई किस किमाश की ट्रोलिंग कैनेडा में की जाती है, अल्लाह की पना। यानी यहाँ पे भी आवाम वैसे ही है और वहां भी वैसे ही है। मुझे ये समझ नहीं आती लोगों को क्या मजा मिलता है किसी के बारे में बिला वजह एक हवा उड़ाने का। पिछले दिनों रमशा खान रही गर्म हवाओं में, क्योंकि उनके बारे में ये हवा उड़ा दी गई कि उन्होंने एक्टिंग तर्क कर दी है। भाई उस बेचारी को इंस्टाग्राम पर आकर ये बताना पड़ा कि मैंने एक्टिंग नहीं छोड़ी। यानी इतनी बड़ी मुसीबत है शेजी, लोग ऐसा क्यों करते हैं? लो जी, शेजी वालों तो जवाब है। मेरा ख्याल है मैं अपनी रंगीन तितलियों को आग लगाने के लिए बुला लूं, क्योंकि हमारा स्टेज काफी देर से खामोश है। ले जी, मैं दावत देने जा रही हूं अपनी मासी मुसीबतियों को, जिनको मैं बुलाऊंगी और स्टेज पे लग जाएगी आग। मेरे साथ है मोमना लायक और जोहा। जनाब, इतने अरसे बाद ये फुलझड़ियां किधर से कटती आई हैं? आग तो आज आप लगा रही हैं। अच्छा, हम तीनों को पीछे छोड़ दिया, मतलब अरे वाह, और एक तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। मुझे लग रहा है मुझे अपनी एनर्जी पे बहुत काम करना। अच्छा, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो काबली पुलाव में, आप काफी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप ये कह रही हैं तो फिर तो वाकई कुछ ना कुछ किया ही होगा। भाई ये तीनों लड़कियां बहुत ही टैलेंटेड है, अपने अपने स्फीयर में बहुत ही कमाल कर रही है। जोहा ने रिसेंटली बहुत सारे मेकअप प्रोजेक्ट्स पकड़े हैं, और आप क्या कर रही हैं ये बताइए। मैं अभी वो क्या कहती है, चिल कर रही हूं। ये भी रोमियो की तरह अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं। चलें, जबरदस्त, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। भाई इससे पहले कि हम कंट्रोवर्सी की तरफ बढ़े, तुम बड़ी पिंक पिंक लग रही हो, तुम पे भी बारबी फीवर तो नहीं चढ़ गया है? प्लीज आयशा, प्लीज 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 प्लीज, वुड यू गाइस एग्री? राइट, नो, एक्चुअली यू आर प्रैक्टिकली dressed for the premiere of Barbie. No, not at all. Not only dressed for it, she's calling for it. यानी yeah. ये चाहती है कि इनको कुछ जुगते करवाई जाएं। नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। अभी रिसेंटली निदा यासर के शो में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बारबीज आई थी। एक सेकेंड, क्यों मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि अगला जो बारबी का कॉस्ट्यूम है वो आप ही ने डिजाइन किया। भाई ये फीवर इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल है कि अभी रिसेंटली डियोर और एक और बहुत बड़े फ्रेंच डिजाइनर ने ये जो बरियल कॉफिन्स होते हैं वो भी बारबी डिजाइनर बना दिए हैं। सीरियसली, बारबी डिजाइंड बरियल बॉक्सेस। दिस इज द न्यू बारबी पेंडेमिक गाइस। दिस इज नॉट पेंडेमिक, दिस इज पैथेटिक। व्हाई? इतनी एंटिसिपेटेड फिल्म थी एंड आई थिंक कि उसकी बिजनेस और उसकी कामयाबी का ये एक हेलो नहीं, मतलब उसकी कामयाबी का मतलब ये है कि आप अपने जो बरियल बॉक्सेस हैं उसमें उसमें भी बारबी को घुसा लें। ये तो वही तो मैं आपको बता रही हूँ। That's like too much. कि everyone new fans के लिए भी ये very viral thing अगर कोई बारबी के ऊपर कुछ करता है और सबसे ज़्यादा फ़ज़ूल तो अगर आपने Instagram खोला और आपको time मिला हो ये करने का, जहाँ खोलो वो hey Barbie वाली videos मैं तो देख के मेरा बुरा हाल हो गया। उनको unsubscribe कर दे, unfollow कर दे। इस तरह की जो lame चीज़ होती है वो फिर trending पे होती है, फिर आप अपने trending page पे जाओगे और आप उनको follow नहीं भी करें तो आपको देखने को मिल रहा है। बल्कि हमारी इस सेलिब्रिटी ने उर्वा हुसैन ने एक स्टोरी लगाई जिसके बीच में उन्होंने लिखा हुआ था कि आप ये जो फीवर बारबी का ये हमारी हाउस हेल्प तक भी पहुंच गया, उसमें उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बैठे हुए हैं और उन्होंने पिंक कलर की शलवार कमीज पहनी हुई है। अच्छा, आई फाइंड दैट वेरी क्यूट। के ऊपर आधे लोगों ने कहा वाओ सो क्यूट, और फिर हमारी कुछ टॉक्सिक आंटी अंकल जागे जिन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गलत किया आपने, इसमें तो आपका आपको चाहिए था कि हम उनका कंसेंट शामिल करती, अगर आप स्टोरी लगा दी थी तो आप उनके फेस के ऊपर कुछ स्टिकर लगा देते। हो सकता है उर्वा ने एक्चुअली इजाजत ली भी हो, और ये भी हो सकता है कि उसकी हाउस हेल्प ज्यादा खुश हुई इस बात पे कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी तस्वीर लगाई है। हर चीज को इतना पैथेटिकली नहीं लेना चाहिए, नेगेटिवली पैथेटिक और नेगेटिवली। अभी तो ये पाकिस्तान है, अभी तो बारबी स्नैक्स भी आएंगे, अभी सब्र करो। ये पाकिस्तान है, बारबी स्नैक्स भी आएंगे, हमारी घरेलू नजूमी है। आपका मतलब वो जो पापड़ वाला है, अभी तो बारबी पापड़ भी आएंगे, ट्रेंड चीज बन जाती है, पता नहीं क्या है। बस कर दो, खुदा का नाम है, बारबी से आगे निकल जाओ। वाओ, ये भी बोली, ये भी बोलती है। अच्छा, तो बारबी से आगे निकलते हैं, और बारबी से आगे हम यही बात कर सकते हैं कि बारबी पे तो हम क्या ही रोएंगे कि हमारी आवाम उसको जज करिए या उसके ऊपर क्या करिए, यहाँ पे तो कोई शादी कर ले तो उसको ही नहीं छोड़ते। रिसेंटली अंजला अब्बासी गॉट मैरिड, और सबसे पहले तो हम सारों ने उठ के उसके आउटफिट के ऊपर उसको क्रिटिसाइज किया कि आपने व्हाइट क्यों पहन लिया। अब दैट्स आपको लगता है कि क्या रेगुलर रेड ही होना चाहिए या जो मर्जी है, कोई ब्लैक पहने, कोई व्हाइट पहने। कलर से हटके लोग तो इस तरह गिर गए थे कि उन्होंने ये बातें भी करनी शुरू कर दी कि इस तरह की शादियां तो ज्यादा देर तक चलती नहीं है। लाइक हाउ मीन, हम किसी के बारे में ऐसे कैसे जज कर सकते हैं कि उसकी शादी कितनी देर चलेगी और कितनी देर नहीं चलेगी, ओनली बिकॉज द पर्सन इज हैप्पी अपनी शादी पे, या फिर उसका हस्बैंड जो है उसके साथ खुश नजर आ रहा है, या फिर वो बहुत ओपन माइंडेड है, या वो एक दूसरे की ख्वाहिशात की रिस्पेक्ट करके उनको करने दे रहे हैं जो उन्होंने करना है। अच्छा, इज दैट इवन अ टॉपिक टू डिस्कस? बिकॉज नेटिजंस डिड नॉट लीव देम अलोन। उनकी शादी की वीडियोस पे, पिक्चर्स पे बहुत ट्रोलिंग की गई, तो वही तो कह रही हूँ, व्हाई इज दैट इवन अ टॉपिक टू डिस्कस? आपके पैसों से की उन्होंने शादी, आपके पैसे लगाए हैं जो आपको इतनी मिर्चे लग रही है। आजकल जोहा कोई भी शादी कर रहा है तो सबसे पहले तो उसको ये सोच के शादी करनी है कि उस पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म आने वाला है। रियली? एक सेकेंड, इफ यू गाइस डिड नॉट नो, तो किसी और की भी एंगेजमेंट हुई, और जिसने वो जैसे कहते ना फीके मुंह, या वो जो कहते ना मतलब बस ऊपर से झूठी तसल्ली देने के लिए भी एक मीठी सुपारी तक खिलानी नहीं समझी जरूरी। आपने मेरे से सुपारी पर राजी हो जाओगी? उफ अल्लाह, तुम चुप करो। आपने मेरे से मीठी सुपारी मांगी, आप मांगती मैं आपको खिला देती। मांगी हुई चीज मांगी तो पेट नहीं किसी को मंजूर होती। मेरी बात क्या बात कर रही हो? मोमिना की इतनी वीडियोस हमने देखी, मुझे ये था पता नहीं कौन कौन से फंक्शंस हो रहे होंगे, इतनी वीडियोस, और अंदर से क्या निकला, अंदर से क्या निकला, सिर्फ एक एंगेजमेंट। अल्लाह मेरे, मतलब नो जजमेंट ऑफ कोर्स, हम सब टू बी लाइक, हम सिर्फ एक मजाक की बात कर रहे हैं। इस तरह तुमने उसमें वबाल मचाया हुआ था। अच्छा एक सेकंड, हम जवेरिया अब्बासी की बेटी की शादी से एकदम मोमिना की मंगनी पर चले गए, तुम लोग इतनी जल्दी डिविएट होते हो, हम उसके ऊपर अभी बात कर रहे थे। पकड़ना था ना किसी ना किसी तरह के, ट्रीट दे दूं मैं इनको। इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि शामून अब्बासी ने एक इंतहाई मैं बहुत अपसेट हुई उनका स्टेटस देख के, शुक्र है मैं ऐसे
मनहूस लोगों से, बुरे लोगों से, ऐसे बद किरदार लोगों से दूर चला गया. मतलब ये आई डोंट थिंक के आपको एज अ फादर. दैट वॉज ऑनेस्टली वेरी सैड टू रीड. दैट इज सैड. और फिर उसके बाद जवेरिया ने एक स्टेटस लगाया जिसमें उन्होंने कहा कि मेंटली जो सिकनेस होती है इसका कुछ नहीं किया जा सकता. well exactly, सही बोला है उसने जो भी नहीं बोला. मतलब ये और ऐसे मौके होते हैं ना शादियों पे कि आपकी कही हुई बात बर्बाद कर देती है अगले का मोमेंट. अलाइका आप एज यूजुअल चुप है, आप अपने जरा ख्यालात का इजहार करें. ये बहुत स्पेशल जो है ना वो डे होता है तो ऐसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए. और बीइंग ए फादर तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग. खैर हम इतनी डाइवर्स डिस्कशन करते करते एकदम से बिल्कुल ही नीचे बैठ गए हैं जनाब. जजमेंट अल्लाह ताला का एक खासा है और उन्हीं की तरफ रहने दीजिए. आप बस जिंदगी जिए और जीने दें और इसके बाद आप वापस आ रहे हैं क्योंकि हमारे मेहमान आप पहुंचे हैं स्टूडियो में. हम लाएंगे धमाकेदार ब्रेक्स इसके बाद. टाइम्स और मेरे साथ मेरी दो खूबसूरत हसीनाएं यहाँ मौजूद हैं. हसीनाओं ये बताओ आज कौन आने वाला है शो पे? मैं बताती हूँ. तुम बताओ. अभी बात सुने आप लोग सारे साइड पे हो जाएं. साइड पे हो जाएं. बस बस साइड पे. भाई ऐसे ग्राम वाली आवाज ऑडियंसेस कुछ कुछ करीब पहुंच गए. तुम भी कुछ कहना चाहोगी? एक सेकंड एक सेकंड. इतनी फुटेज के बाद कुछ नहीं. ये तो मिस कॉल थी. अच्छा नहीं एक सेकंड. इनके बगैर हर मेहंदी अधूरी है. मतलब उनके गाने के बगैर. आज जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम जैसे जोहा ने भी कहा कि उनके बगैर हर फंक्शन इनकम्प्लीट है क्योंकि इनके गानों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि हम शुरू करें अगर बताना तो आप खो जाएंगे, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ये सो जाएंगे. लेकिन हम यह नहीं चाहते कि ऐसा हो क्योंकि कभी ये आपको बराबरी पार्टी के हेड की तरह नजर आते हैं और कभी उच्चिया मजाजा वाली के पीछे भागते नजर आते हैं. मैं बात कर रही हूं जवान अहमद की. लड़कियों यलगार के लिए यहां आ जाओ क्योंकि आपको आउट नंबर कराने का और कोई तरीका नहीं है. देखिए आज जो ये एंग्री यंग मैन का जो आपका अटायर है इसको हमें निकालना पड़ेगा. आज आपने हमारे साथ खुल के हंसना है, खुल के बातें करनी है. लोग देखना चाहते हैं कि जवाब हंसते हैं. अच्छा ना तो मैं एंग्री हूँ ना मैं यंग हूँ. अच्छा जी सबसे पहले हम बातें शुरू करते हैं इस बात से कि यू नो म्यूजिक बड़ी एक सेंसिटिव सी फील्ड होती है और म्यूजिशियंस और सिंगर्स आर्टिस्ट बेसिकली बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और पॉलिटिक्स उतनी ही इनसेंसिटिव होती है. तो दोनों में बराबरी अपनी पार्टी की तरह आप कैसे करते हैं? अच्छा मैंने असल में जो सोचा था ना जिंदगी में वो सियासत करने का सोचा था. अरे सियासत करने का सोचा था? लैंड की इंजीनियर बने और उसके बाद म्यूजिक में पूरा करियर बनाया और फिर आप पूरी जिंदगी के बाद आप कह रहे हैं कि मैंने सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा. एक्चुअली मैं तो था ना मिडिल क्लास से. सही. मेरे वालदैन प्रोफेसर थे. तो सियासत करने के लिए या तो आपको किसी इलेक्टेबल फैमिली से होना चाहिए. राइट. या आपको बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, जागीरदार सरमायादार होना चाहिए, या आपको मशहूर होना चाहिए. तो अब मशहूर तो आप बहुत हैं. तो इसलिए मैंने मौसीकी. पैसे की क्या सूरत हाल है ये भी बता दें. मतलब मशहूरी तो हो गई, अब पैसों का बता दें कि वो आ गए. हाँ अगर आप ना इतना कमा सकें जिंदगी में कि आप बाद में सियासत कर सकें अपने ही पैसे लगा के तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना. हाँ सही बात है. तो इसलिए तो यानी इतना कुशल मंगल है. इतना कम अज कम होता है कि आपका घर चलता रहता है. अच्छा. और आप वैसे मुझे ना कोई ज्यादा लालच है नहीं. अच्छा. मैं जमीन पे सो सकता हूँ, मैं दो वक्त की रोटी खा सकता हूँ. व्हाट अबाउट द फैमिली? फैमिली भी जमीन पे सो जाएगी और वो दो वक्त की रोटी फैमिली में खा लेगी. फैमिली में उनको सबको पता है कि किस तरह का आदमी है. एक्चुअली ना जिन लोगों को मैंने पढ़ा है आपके इधर प्रोग्राम में जो प्रोड्यूसर है
इसको तो मेरा बड़ा पुराना पता है नईम को, लेकिन लोगों को नहीं पता ना असल में। पार्टी तो मैंने 2018 में बनाई है ना। हाँ जी। तो आई हैव बीन लाइक दिस ऑल माय लाइफ, लाइक 23 इयर्स बैक मैंने अपनी पार्टी बनाई थी, सॉरी मैंने अपना म्यूजिक स्टार्ट किया था। अच्छा, हम ये कहने और 5 साल पहले मैंने पार्टी बनाई है। सही बात है। तो इसका मतलब कि 18 साल ये लोग मुझे जिस तरह जानते रहे हैं, इनको पता इसी तरह रहा हूँ मैं और इसी तरह मेरी तबीयत है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी तो हो गई, पहले इससे पार्टी भी की है आपने? जब नया नया फेम आया तो फिर पार्टी ना करे जवाब, ये तो नहीं हो सकता कि जब फेम के बिल्कुल यहाँ पहुंचे तो आपने पार्टी ना की हो। नहीं, बिलीव करें, मैंने नहीं की। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो आप मशहूर होने का क्या फायदा हुआ फिर, ये बताएं। हाँ, ये तो है। एक्चुअली ना हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना यहाँ, ये बड़ा अजीब कंफ्यूज किस्म का मुआशरा है हमारा। हम सब हर किसी से सब कुछ लेते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये हर लिहाज से कंफ्यूज है। अच्छा, देखिए यहाँ पे तो इवन यहाँ तक डिबेट है अभी भी, 21वीं सदी में पाकिस्तान में डिबेट है कि म्यूज़िक हराम है या हलाल है। हाँ, सही बात है। हम इस सोसाइटी में रहते हैं, हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आज भी जो है वो एक ख़ानदानी निज़ाम जो है वो इस तरह का है कि लोग डिपेंडेंट हैं अपने किन्स पे किसी ना किसी तरीके से लाइफ गुजारने के लिए। सही बात है। तो आप इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते क्योंकि रियासत आपको इस तरह का कोई भी कहते हैं ना सपोर्ट नहीं देती। सही है। सोशल सिक्योरिटी नहीं है लोगों के पास, ना ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं ना पेंशन है। इवन आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर मिनिमम वेज जो है अभी 25,000 है। 25,000 में कौन रह सकता है अपनी फैमिली के साथ? गुजारा नहीं होता, एक बंदे का तो गुजारा नहीं होता। इसलिए इस मुल्क के अंदर ना बड़े मसाइल हैं। और सबसे बड़ा मसला इस मुल्क के अंदर ये है कि मजहब सियासत के अंदर इस्तेमाल होता है और लोगों को कहा जाता है कि जो कुछ हो रहा है बस खुदा कर रहा है, आपका आप क्या कर सकते हैं, आपको गरीब बनाया खुदा ने, खुदा की मर्जी थी। तो इस तरह की बातों से ना लोगों को कैप्टिव रखा जाता है सिस्टम। लेकिन उसके साथ साथ इसमें क्या आदमी आर्ट की बात करे यार, बड़ी मुश्किल से करनी पड़ती है। ये बड़ा एक आपको पता है कि मैंने अपने पिछले 5-6 साल में जो गिरावट देखी है इस सोसाइटी के अंदर यहाँ, हाँ इतनी ज़्यादा है क्योंकि मज़हब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है पिछले 6-7 साल में, बहुत ज़्यादा हुआ है सियासत में। तो अब लोग ये हाल है कि यहाँ पर जितनी एक्ट्रेसेस हैं, जितनी शोबिज़ में मॉडल्स हैं, इसमें जितने भी ख़ासतौर पर ख़वातीन के ऊपर जो ये मसला बना है, तुम आप उनके गौर से सुन आप लो। उनके नीचे कभी जाके कॉमेंट्स देखें लोगों के, क्या वो कर रहे हो। ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये मुल्क बड़ा कन्फ्यूज है। इसके अंदर काम करना फ़नून लतीफ़ा के अंदर ये खुद एक जहाद है। आप सही कह रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ ही ऐसा होता है, बॉर्डर पार भी ऐसा होता है। अभी मैं जस्टिन ट्रूडो की डिवोर्स के बारे में पढ़ी थी एंड उसके नीचे जब उसने अनाउंस किया तो जो लोगों ने कमेंट्स किया उसमें पढ़ के मैं हैरान रह गई कि यार हमारे यहाँ के तो लोग ऐसे फैनेटिक हैं, उधर भी यही हाल है। तो मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली इंसानियत का हर जगह ही कुछ इस किस्म का हाल है। नहीं नहीं नहीं, वो आप दो बातें कर रहे हैं। एक बात यह है कि आप ये कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर एक मर्द और औरत का जो भी मामला, उनके आपस में लड़ाई हो गई, उनके डिवोर्स हो गई, लोगों ने जो कमेंट्स कर दिए। एक होता है कि आप उसको लेके जाते हैं कॉन्टेशंस रिलीजन के अंदर। हाँ, इंफरादियत को यानी जेंडर को स्पेसिफाई किया जाता है, उसको रिलीजन किया जाता है। वो वहाँ पे नहीं है, वो नहीं। और अच्छा, वो इंडिया में है। हाँ, हो रहा है ज़्यादा क्योंकि इंडिया में भी हिंदुत्व वाला जो कॉन्सेप्ट है जो मोदी लेके आ रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली अ पोलिटिकल कॉन्सेप्ट और ये रिलीजियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। उसकी वजह से इंडिया का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। बिल्कुल। जिन मुल्कों में भी मजहब इस्तेमाल होगा, रियासत करेगी, उसके अंदर यही होगा आखिरकार। क्योंकि हमारा प्रोग्राम इस नौयत का नहीं है, हम आपको घसीट के आपकी पॉलिटिक्स से सीरियस बातों से जरा लाइट हार्टेड सी डिस्कशन गप्पों की तरफ ले आएंगे। मेरा ख्याल है उनको जोर से बात आई हुई है, आप कुछ सवाल करना चाह रही हैं। सर, पहले तो आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आपकी आवाज़ इतनी बेस वाली है, ऊपर से आपका अटायर इतना भाई लोगों वाला है, तो लोग तो खुद ही डर के पीछे हो जाते हैं। आपने सीधा भाई लोग कह दिया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। लोग मेरे साथ रोज मिलते हैं, अभी मेरे साथ सारे आप सेट पे लोग जो बैठे हुए मुझे बाहर मिले हैं। नहीं, लेकिन आपके अटायर से प्यार है इनके साथ। बिल्कुल, डेफिनेटली। लेकिन जो लोग आपसे नहीं मिले हुए, बिलवास्ता मुलाकात नहीं है, वो डरते हैं आपके अटायर से? थोड़ी सी घबराहट तो होती होगी जब आप। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं पता। वैसे मुझे मालूम नहीं है, मतलब लोग एकदम से दे हैव नेवर टोल्ड मी दिस, मुझे नहीं पता। हो सकता है जुर्रत ही ना हुई हो किसी को बताने की। अच्छा, ये बताएं जवाब के अकेले में, शांति में, खामोशी में क्या करना पसंद करते हैं? पढ़ना।
मुझे यकीन था कि पढ़ने का ही बात। अच्छा, व्हाट डू यू लाइक टू रीड, कौन सी किताबें आपकी फेवरेट हैं? मैं तो हमेशा कहता हूँ लोगों को कि एक किताब ऐसी है जो तमाम पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए, मिसाल के तौर पर। उसको उर्दू में कहेंगे रियासत और इनकलाब, अच्छा, और अंग्रेजी में कहेंगे स्टेट एंड रेवोल्यूशन। ये लेनिन की किताब है, ठीक है, जो कि पपेटेटर थे। हाँ जी, हाँ जी, रशियन रेवोल्यूशन। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बस वही पढ़ते रहते हैं? नहीं, पढ़ते रहते हैं नहीं। एक्चुअली इसके अलावा और कौन सी किताबें आपको पसंद है पॉलिटिक्स के? अच्छा, जब मैं छोटा था ना तो मैं उस वक्त कोई भी किताब आती थी ना मेरे सामने तो मैं पढ़ना शुरू कर देता था। ठीक। तो मैं काफी ज्यादा एविड किस्म का रीडर था, बड़ा। अक्सर टीचर्स के जो बच्चे होते हैं ना वो एविड रीडर्स होते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे किताब से जुड़े रहें। अब ये भी आपकी आदत में शामिल है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ये बताएं, आपकी जिंदगी पर अगर बायोपिक बन रही हो, आपकी कहानी लिखी जा रही हो, पहले तो उसमें ऐसे कौन से इंकशाफात होंगे जो कि ऑडियंसिस को नहीं पता? कुछ ऐसा होगा या बस सीधी साधी सी कहानी होगी? नहीं, हो तो सकता है लेकिन मैं करूंगा नहीं। अच्छा, वहां पर भी आपने जो है खामोशी रखनी है, वहां पे भी नहीं बताना, बायोपिक में भी? कभी किसी ने सवाल नहीं किया ये। हम इसीलिए बैठे हैं कि हम जो है आपसे वो सवाल करें जो किसी ने ना सोचे। अच्छा, ना वो मेरे से बड़े हैं। हाँ। लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। एक्चुअली मैं आपको अजीब बात बताऊंगा, आप जो मुझे दो चार लोग पसंद थे ना, नंबर वन पे तो वो थे सिलवेस्टर स्टेलोन थे, एक्टर थे जिनको रॉकी और वो रैम्बो और सिल्वेस्टर स्टैलोन, फिर अमिताभ बच्चन मुझे पसंद है। अब अगर आपने कहा है तो वो तो मेरे से बड़े हैं, लेकिन अगर वो करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। यानी जवाद अहमद की जिंदगी पर जो फिल्म बनेगी अगर उसमें अमिताभ बच्चन काम करें तो फिर जवाद अहमद को मजा आएगा, तो फिर आप अंदरूनी बातें बताएंगे? मुझे लगता है कि एशिया में ना, मतलब जब से मैं पैदा हुआ हूँ और जितनी मैंने सिनेमा की हिस्ट्री देखी है, अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर कोई नहीं आया, मेरा नहीं ख्याल। ट्रू, ट्रू, ट्रू। शायद बाद में आएगा कोई। डेफिनेटली, मतलब बन रहे होंगे इस वक्त भी, एज वी आर टॉकिंग अबाउट इट। अच्छा जवाब, जब आप लोगों का ये जो भी है, आपको कोई सवाल करना है? सर, आप काफ़ी प्राइवेट हैं अपनी लाइफ को लेके, तो आपकी जो टीवी पर्सनालिटी है और आपकी प्राइवेट लाइक जो आपके घर में पर्सनालिटी है, उसमें कितना आपको लाइक फ़र्क रखने में थोड़ा नहीं फील होता, लाइक डिफ़िकल्ट नहीं होता आपके लिए? नहीं, मेरे घर में बिल्कुल ऐसे ही होता हूँ, फ़र्क सिर्फ एक है, मैं बहुत ज़्यादा सोच के बोलता हूँ जब टीवी पे आता हूँ, घर में थोड़ा सा कम सोच के बोलता हूँ, मतलब लेकिन फ़र्क नहीं है कोई खास। अगर आप मेरे घर वालों से पूछेंगे तो ऐसे ही बताएंगे वो आपको। वो बताएंगे, हम पूछते रहते हैं, वो जवाब नहीं देते। नहीं, कभी ऐसा हुआ हो जवाद के बेगम ने पूछा आज क्या पकाना है, आपने कहा हो आज तुम गेस करो क्या पकाना है, और उन्होंने टींडे पका दिए? अलबत्ता ये होता है कि मैं, मुझसे पूछा जाता है तो मैं बता देता हूँ, और मेरे पास तो दो चार खानों के नाम है जो मुझे अच्छे लगते हैं। जल्दी से गिनवा दें कौन कौन सी चीजें आपको पसंद? आलू गोश्त और पुलाव। आलू गोश्त और पुलाव, मटन का के बीफ का? वो भी मटन का, दोनों। सुरीला वो देखे, उसके मुंह में पानी, 2 किलो पानी आ गया उसके मुंह में। अच्छा, साथ उसके रायता और ठंडा पान, जो टींडे के भरते वाला रायता होता है, चटनी वटनी भी हो साथ। अच्छा, इमली की या उसकी वो जो आम की चटनी होती है, किसी भी चीज की कोई मजेदार हो, और वो अगर ये सारा कॉम्बिनेशन हो तो मुझे लगता है इंसान 4-5 प्लेटे खा सकता है। माशाल्लाह, आपकी सेहत को देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आप 4-5 प्लेटे खा सकते हैं, लेकिन वेरी गुड, आपकी सारी मोस्ट फेवरेट डिशेस हैं। अच्छा, खुद कुकिंग आती है आपको? नहीं, मुझे नहीं आती। बिल्कुल अंडा भी नहीं बना सकते? अंडा बना सकता, अंडा, हाँ जी, फ्राई भी कर सकता हूँ, मेरा ख्याल है। अच्छा, सिर्फ फ्राई कर सकते? ऑमलेट नहीं बना सकता। ख्याल है, मतलब कि आप अंडे को कहते हैं बेटा तू फ्राई हो जा तो फिर वो बन जाता है? मेरे बनते थे क्या, आसान है। आपने कभी ट्राई नहीं? नहीं, मैंने नहीं ट्राई किया, लेकिन मैं अंडे उबालता रहा हूँ, अभी भी उबाल लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। मैक्सिमम काम आपने अपनी बीवी को सरप्राइज करने के लिए क्या किया? नहीं, ना तो सरप्राइज किया। देखिए, हम जवाद अहमद को हंसाने में कामयाब हो गए। अच्छा जी, तो आपने कभी ऐसा हुआ हो कि आपने बीवी की जो काविशें हैं जिंदगी में, आपका सपोर्ट, आपके साथ लाइफ, मतलब एक मिस्टीरियस आदमी के साथ रहना भी तो बहुत बड़ा काम होता है। मिस्टीरियस तो नहीं हूँ मैं। आप बहुत मिस्टीरियस हैं, आप तो इतना सा भी अपना जो है ना, इतना सा भी ओपन नहीं होने देते कि पता ही ना चल जाए मेरे अंदर क्या है। तभी आपके जो नाकदीन है ना, वो भी बड़े परेशान रहते हैं कि आप जवाब क्या सोच रहे हैं। मुझे तो ये पता है कि पिछले कोई तकरीबन 6 साल हो गए हैं या 7 साल हो गए हैं, जितने अब मैंने बुरा भला अपने आप को कहलाते सुना है आपको पता है लोगों से, क्योंकि वो होता यह है कि मैंने कहा ना आपको कि पाकिस्तान की सोसाइटी है ना, ये बहुत ही अजीब और गरीब, इससे बहुत गुजर होती जा रही है बहुत ज्यादा। तो वो फिर लोग जो है वो गालम गलोच भी करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। आप कमेंट्स क्यों पढ़ते हैं, ना पढ़ा करें कमेंट्स, बस अपनी बात की, अपने दिल की बात खोली
और उसी तरह चलते चले गए। हम जा रहे एक छोटी सी ब्रेक पर। खबरदार जो आपने पुलाव को हाथ लगाया, हमारे वापस। और हमारे साथ द ग्रेट जवाद अहमद मौजूद हैं और उतने सीरियस उनके साथ मैं बहुत मुश्किल से मुस्कुरा रही हूं क्योंकि वो उनकी जो सीरियसनेस है वो कंटेजियस है, लेकिन हम आपको हंसा कर भेजेंगे यहां से। ये हमारा वादा और दावा है। जनाब आपसे सवाल होंगे कि मैं आपसे डिफरेंट चीजों का पूछूंगी, आप बताते जाइएगा। आप दोनों में से किसी ने कोई सवाल करना है तो पहले कर लें। नहीं अभी तो किसी ओके। किचन में इस्तेमाल होने वाले कोई से पांच मसाले बता दें। नमक, मिर्च, हरी मिर्चें, काली मिर्च। फोकस सिर्फ मिर्चों पे है हुजूर। हम आपको मिर्च नहीं खिलाएंगे। जाफरान, वाह वाह वाह, क्या बात है। पांच पूरी हो गई। अच्छा जी, टॉयलेट में या सफाई में यूज होने वाली कोई सी पांच चीजें बता दें। हद हो गई सफाई। देखा आपने, हजार लिए। झाड़ू, हाँ जी झाड़ू, और वाइपर, वेरी गुड। वैक्यूम क्लीनर, चार। पांचवा, और वो जो डस्टर होता है। अरे क्या बात है, क्या बात है, वेरी वेरी नाइस। अच्छा जी, मतलब सिंध की कोई पांच सिटीज बता दें। सिंध के? हाँ सिंध। कराची, हैदराबाद, घोटकी, जैकबाबाद, लाड़कानो, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब आप ये बताएं कि पांच कोई भी नेशनल हॉलीडेज बता दें। डेट्स नहीं बतानी, नाम बताने की, कौन सी नेशनल हॉलिडे है। कायदे आजम की पैदाइश जी, डे कायदे आजम डे, कायदे आजम की वफात जी। अच्छा ठीक है, एक ही मनाते हैं। अलामा इकबाल की पैदाइश। अच्छा शाबाश, वेरी गुड। हिस्ट्री का नया चैप्टर पढ़े। ये एडी है, ये बीसी है, वेरी नाइस। ऐसे नहीं चलेगा भाई। और ईद मैंने नेशनल हॉलीडेज भाई, आप बूटियां लगवा सकते हैं। नेशनल हॉलीडेज नहीं है। हाँ, है लेकिन एक ही दिन तो नहीं मनाई जाती ना। जो एक दिन मनाई जाती है उनकी बात करें। एक ही दिन हाँ, मनाई मतलब 25 दिसंबर आपने कहा। अच्छा, हाँ, कायदे आजम डे हो गया। 14 अगस्त क्या है? 23 मार्च, हाँ, उसको बताए ना क्या एक योम पाकिस्तान है, योम आजादी है। वेरी गुड। और इसी तरह एक कायदे आजम की वफात है, वो तो मैंने बोल दिया। और एक, अच्छा चले, एक ईद उल फितर नहीं आएगी? नहीं आएगी। अच्छा। नहीं आएगी। ओके। अभी आपने कहा है रिलीजन को। अच्छा, सिक्स ऑफ सितंबर। हाँ जी, डिफेंस डे हो गया। डिफेंस डे हो गया। जी। अब कितने हो गए? अभी तक चार हुए हैं। चार हो गए। एक जोर और लगा लेंगे। फर्स्ट ऑफ मई। लेबर डे। हाँ, मतलब तारीखें तो हमें भी पता है। हमने सिर्फ जानना यह था कि आपको छुट्टियों के नाम पता है या नहीं। अच्छा जी, ये बताइए कि आपके फोन में पांच फेवरेट एप्स कौन सी है। अच्छा, वो तो सारी वही हैं जो लेकिन आपकी फेवरेट कम्युनिकेटिव जो होती है। हाँ, जो बिल्कुल, जो आपकी इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सबसे पहले कौन सी? एक ट्विटर है। ट्विटर सबसे पहले। फिर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फिर ये जो है टिकटॉक है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है। वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा जो है YouTube है। YouTube, ओके, सो वेरी नाइस। मतलब ये सारी जो कम्युनिकेटिव एप्स, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दो जो नाम TikTok और वो लिया था, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो बाद में आता। अच्छा, आपके पांच फेवरेट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियंस, जिनको आप कहते हैं कि अच्छा यार, अगर ये मेरी पार्टी में नहीं तो कम से कम ये अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी तो एक तो आपने नाम लिया जस्टिन ट्रूडो का। यस, वो अच्छा पॉलिटिशियन है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो बाइडेन है वो भी अच्छे पॉलिटिशियन है। तीन और बता दें पॉलिटिशियंस इंटरनेशनली ना इस वक्त जो एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल, या पास्ट में से भी अगर बताना चाहें तो दैट्स ओके। मुझे इंग्लैंड का जो बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन है, उनका नाम है जेरेमी कॉर्बिन, जो कि अभी लेबर पार्टी के चेयरमैन थे। बिल्कुल, वो बड़े पसंद है। फिर मुझे वो जो बर्नी सैंडर्स है, वो बहुत पसंद है। सही, वो लेफ्ट का आदमी है, इसलिए नेचुरली हमारी उसके साथ वो बनती है। और फिर जो अरविंद केजरीवाल जो है, जो
आम आदमी पार्टी जो इंडिया में है, बिल्कुल, दिल्ली में जिन्होंने अभी हुकूमत बनाई है पंजाब में, तो वो भी मुझे पसंद है। आपको केजरीवाल पसंद है? ओह माय गॉड, मतलब मुझे केजरीवाल की, अच्छा चले हम ये सियासत नहीं है इसलिए हम नहीं, सियासत बड़ी डिबेटेबल चीज है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, अपना नजरिया है उसके ऊपर हम नहीं जाते। अच्छा आपके पांच फेवरेट एक्टर्स? पहले तो अमिताभ बच्चन है, ओके, सिलेस्टर स्टालोन है। यार अपने मुल्क में कोई दूर दूर तक एक्टर नहीं है। आपने मुझे कहा है कि यार आप इंटरनेशनल बताएं, आपको पता है मेरी, आप लोकल बताएं। आपको पता है मेरे ट्विटर पे क्या लिखा हुआ है? क्या उस पे लिखा हुआ है? आई एस्पायर, ओके, ऑल दिस जो मुझे लगता है कि ऐसे होना चाहिए, सही। तो उसमें लिखा हुआ है कि अ ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, और अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। क्या बात है, वेरी नाइस। तो उसका मतलब क्या है? मैं तो हूँ इंटरनेशनलिस्ट। अरे क्या बात, और मैं नेशनलिस्ट भी जो हूँ ना, इंटरनेशनलिस्ट के अम्ब्रेला के अंडर हूँ, ठीक है। मुझे इंटरनेशनलिस्ट पहले हूँ, नेशनलिस्ट बाद में हूँ, ओके, क्योंकि मुझे तो तमाम इंसान बराबर ही लगते हैं, बराबरी पार्टी है भाई। भाई हर इंसान को जो उसको चाहिए दुनिया में मिलना चाहिए ना, ठीक है। जितनी उसकी यहाँ पे लाइफ है, ठीक है, उसको चार चीजें मिलनी चाहिए। एक उसको मिलनी चाहिए लंबी उम्र, जो कि नहीं मिलती, लोग हेल्थ रीजन की वजह से मर जाते हैं, पैसे नहीं होते उनके पास अपने इलाज कराने के। फिर लोगों को उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, फिर लोगों को खुशी मिलनी चाहिए, और फिर लोगों को एक खुशहाली मिलनी चाहिए जिसकी वजह से वो लाइफ में एक्सेल कर सके। सही कह रहे हैं आप, खुशहाली बहुत इंपॉर्टेंट है, खुशी जो है वो सब्जेक्टिव है। नहीं सब तो खुश होते हुए भी बाजू का तो लोग खुश नहीं मिलती ना, exactly. नहीं अच्छा वो भी हमने मान लिया, लेकिन मुझे एक बात बताएं, एक दफा मैं बैठा हुआ था कराची में, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप आदमी है, उनको सोशल वर्क का शौक है, शहजाद रॉय ने मिला दिया मुझे उनसे। अच्छा सही है। तो उन्होंने मुझे कहा जी यार देखें ये तो वही जो आपने भी कहा कि खुशी तो सब्जेक्टिव होती है। तो मैंने उनसे कहा मुझे एक बात बताएं, ये आप कहते हैं जी ये गरीब आदमी जो है उसको नींद अच्छी आती है, अमीर को नहीं आती, ऐसा करते हैं ना, अमीर को गरीब बना देते हैं, गरीब को अमीर। सही बात है। तो मुझे बताएं कौन बनना पसंद करेगा वो दूसरा? सही बात। अमीर गरीब बनना पसंद नहीं करेगा, गरीब अमीर बनना पसंद करेगा। बिल्कुल। इसका मतलब है उसको नींद आए ना आए वो बेहतर है, अमीर होना बेहतर है। सही। तो इसलिए ये जो है ना ये बात के खुशी रिलेटिव होती है, सब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव होती है, एक ही चीज है। मैं इसको इसलिए नहीं मानता क्योंकि लोगों को जो बुनियादी खुशियां छोटी छोटी है ना वो भी नहीं मिलती। अच्छा अब हम आपके फेवरेट एक्टर्स पे थे, अभी आपने तीन बताए। अच्छा मैंने तीन बताया, इतना घूम के आते हैं ना इनको याद ही नहीं रहता, पर मेरी सुई तो अटकी हुई है तीन पे। मुझे पाकिस्तानी एक हीरो थे बड़े अच्छे थे वो लगते है, मोहम्मद अली। ओके जज साहब, मैंने मैट्रिक कर लिया है, विद नो ऑफेंस टू एनीबडी, वो बहुत जिंदगी में बहुत सारी फिल्मों में मैट्रिक करते रहे। अच्छा जी बताइए, और मुझे हम चार पे आके रुक गए, कोई इस दौर के है? रिचर्ड गेयर, ओके वेरी नाइस, और केविन कॉस्टनर, ओके हो गए पूरे। आपकी पांच फेवरेट फिल्म्स मैं बताने लगा था, गॉडफादर, गुडफेलास, Once upon a time in America. Oh my God! Okay. असल में ना मुझे, मैं सच बताऊँ आपको, मुझे क्राइम की फिल्म्स पता क्यों अच्छी लगती हैं? हाँ. आपको बड़ी अजीब बात लगेगी, मुझे उनके अंदर उन मुआशरों की सबसे ज़्यादा जो बदसूरत चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं। सही। आपको तो नज़र आता है ना ऊपर से बड़ा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो जो क्राइम की या इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं वो बताती हैं कि सोसाइटी में असल में क्या हो रहा है। सही बात। आपने अमेरिकन साइको देखी है? नहीं वो नहीं देखी मैंने, आपको देखनी चाहिए। मैं देखूंगा लॉ एंड ऑर्डर एक सीरीज होती है, बिल्कुल, और एक ब्लैक लिस्ट। ले जी हम बिल्कुल ब्लैक लिस्ट नहीं होने जा रहे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जवाब के साथ इसी तरह की इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है। आपने एक और फिल्म थी, सॉरी एक और, रुक जाइए जज साहब, शोले कैसे भूल सकते हैं शोले, जय और वीरू की जोड़ी और बसंती के ठुमके नहीं भूले जा सकते। हम जा रहे एक छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना, वी आर कमिंग राइट बैक। La 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 la
ये ताकत तेरी, ये कुवत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ।
इंतजाम किया है और बाकी बातें हम अपनी सीट पे हॉट सीट पे बैठ के करेंगे। आ जाएं। जैसे कि आपने इतना खूबसूरत मैशअप गाया किशोरदा का और अपने गानों का और इतनी खूबसूरती से उसे निभाया और आखिरी गीत अलविदा ना कहना, तो जवाद अहमद ये चीख चीख के सुर, म्यूजिक, लय और ताल, ये कहते हैं कि जवाद अहमद अलविदा मत कहना, तो क्यों कह रहे हैं फिर इसे अलविदा? अच्छा, मैंने अलविदा नहीं कहा म्यूजिक को, मुझे आप गा भी नहीं रहे ना। हमारे मुल्क में ना रियलिटीज बड़ी अजीब हैं, सिंगिंग को भी और पॉलिटिक्स को भी साथ साथ लेके चलना थोड़ा सा सीरियस नहीं लगता लोगों को शायद, लेकिन बहरहाल मुझे भी थोड़ा सा पहले एहसास हुआ है और आपने भी जैसे कहा है, कुछ लोग कहते हैं जो थोड़े से इंटेलिजेंट लगते हैं मुझे, वाइज लगते हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा बहुत करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए आपको। अब देखिए, ये वो चीज़ है जिसने आप मतलब एक तरीके से एक आर्टिस्ट का अपनी जो आर्टिस्टिक उसकी रियलिटी होती है ना, वो भी ज़रूरी होती है उसके लिए ज़िंदा रहने के लिए। शायद आप ज़्यादा सीरियस इसलिए भी हो गए कि आप अपने गाने जो है ना वो नहीं बना रहे। आपके 5 कंटेम्प्रेरी फेवरेट सिंगर्स? किशोर कुमार। पाकिस्तान में जो बेस्ट है ना इस वक्त मेरे ख्याल में, तैयारी में और जबरदस्त जो नाम भी ले दे, मुझे जावेद बशीर, बहुत तैयार आदमी है। मैं तो गा ही नहीं सकता ना, मैं जिन लोगों के नाम लेने लगा हूँ ना उनमें से ज्यादातर को तो मैं गा ही नहीं सकता, इतने मुश्किल हुआ। शफकत सलामत अली बहुत बड़े सिंगर हैं। नहीं, शफकत सलामत अली। अच्छा, शफकत सलामत, ओके ओके ओके। फिर राहत अली खान और शफकत अमानत अली खान तो हैं ही, वो तो बिल्कुल, वो तो कमर्शियली बहुत बड़े हिट हो गए हैं ना। अच्छा, उसके अलावा चार तो ये हो गए, लेकिन मैं 3-4 और भी नाम ले लेता हूँ तसल्ली से नाम। अब ये वो नहीं है जिनको मैं गा नहीं सकता, लेकिन उनका नाम ले लेता हूँ। मुझे लगता है कि नबील शौकत बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छे गाने हैं। मुझे लगता है, नहीं गाने अच्छे हैं या नहीं है, देखें आयशा, गाना अच्छा बनाना और गाना अच्छा, नहीं गाना अच्छा बनाना और गाने का हिट हो जाना एक चीज है, बिल्कुल, और गाना गाना ये एक और चीज है। जब हम कहते हैं ना गाना, तो गाना सॉन्ग होता है और सॉन्ग हैज अ कमर्शियल वैल्यू टू इट, ठीक है, मतलब अटैच विद इट, हां जाहिर है, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, ब्रांड एंडोर्समेंट, ब्रांडिंग। तो जरूरी नहीं कि गाना जो हिट है उसको गाने वाला जो अच्छा गाना भी गाता है, सही है, लेकिन वो गाना हिट हो गया, हां अच्छा गाने वाला, अच्छा गाने वाला जो है वो बिल्कुल फर्क आदमी होता है। अब मेडिसिन साहब भंगड़ा तो नहीं गा सकते, लेकिन उनका जो उनकी जो गायकी है हम उसको पहुंच भी नहीं सकते ना, हम तो उसको टच भी नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे लगता है अली सेठी अच्छा गाता है, ओके, मुझे लगता है अमानत अली बहुत अच्छा गाता है, ये नए सिंगर्स में बता रहा हूँ। अभी मेरा छोटे भाइयों की तरह था साहिर अली बग्गा, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा गाता है। फिर वो मेरे साथ बहुत काम किया उसने, बहुत से और सिंगर्स हैं जिस वक्त नाम नहीं याद आ रहे, ये मेरा मसला है, मुझे भूल जाते हैं। आप चाय का घूंट लें और याद करने की कोशिश करें कि शायद आपको नाम याद आ जाए। तब तक मेरा ख्याल है उधर कुछ सवाल फुदक रहे हैं। सर, मैंने आपसे सवाल पूछना था कि आप बहुत सारी इंस्पिरेशन लेते हैं पास्ट से, पास्ट के लोगों से, उनकी आइडियोलॉजीज से, तो सर अगर आपको एक मौका दिया जाए कि आपको पूरी दुनिया में किसी भी लिविंग और डेड इंसान के साथ एक डिनर मिले 3-4 घंटों का, तो वो किस बंदे के साथ आप या किस बंदी के साथ डिनर करेंगे और उस डिनर पर आप क्या गुफ्तगू करेंगे? दो लोगों में से एक है, या तो कार्ल मार्क्स होंगे या व्लादिमीर इलिच लेनिन होंगे। Okay. और मुझे अगर फिर अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे कि इनमें से एक बताएं, तो मैं लेनिन कहूँगा, क्योंकि ये जो रशियन रेवोल्यूशन थी इससे बड़ा वाकया दुनिया में हुआ नहीं, कि आम लोगों ने, मेहनत कशों ने, मिडिल क्लास ने एक बहुत बड़े बादशाह का तख्ता उलट दिया और ख़ुद अपनी हुकूमत कायम की। तो मुझे लगता है जब तक ये नहीं होगा, पूरी दुनिया में आम लोग हुकूमत नहीं करेंगे, तो दुनिया आम लोगों के लिए चलेगी नहीं, और गुर्बत भी ऐसी रहेगी, महरूमी भी रहेगी और महंगाई भी रहेगी। तो लेनिन के साथ डिनर पे आप क्या बातें करेंगे? मैं तो सारी इनकलाबी बातें करूंगा। मेरा ख्याल है कि बहुत ही बोरिंग होंगी। अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये अगर बोरिंग ना लगे लोगों को, हाँ। जिस दिन पाकिस्तान में लेनिन की बातें लोगों को बोरिंग लगना बंद हो जाएंगे ना, हाँ। या इनकलाब आ जाएगा। अरे वाह जी। अच्छा सर, मैंने नोट किया कि आप काफी फेड अप हैं पाकिस्तान से और यहाँ के लोगों से, ऐसा क्यों है? मैं फेड अप नहीं हूँ पाकिस्तान से, तो वो बिल्कुल फेड अप नहीं। आई वांट टू चेंज दिस सोसाइटी। देखे, एक दो कार्ल मार्क्स ने कहा था, उसने कहा था कि फिलोसोफर्स हैव ऑलवेज इंटरप्रेटेड दिस वर्ल्ड,
द प्रॉब्लम हाउ एवर, बल्कि उसने कहा था द पॉइंट हाउ एवर इज टू चेंज इट। ये दुनिया चेंज होने के लिए इस वक्त मांग रही है, खुद कह रही है कि हमें चेंज करो मुझे। ये दुनिया लोगों के लिए अच्छी नहीं है, अक्सरियत के लिए अच्छी नहीं है। अक्सरियत किस तरह रहती है इस दुनिया में आपको मालूम है? बुरी कंडीशंस में रहती है, खाने के पैसे नहीं होते, घर से निकलते हैं ये सोच के कि बच्चों के लिए कमा के लाना है, अपनी सारी कुर्बानियाँ दे दोगे, लाइफ ऐसे गुजार के मर के चले जाते हैं। वो कहते हैं ना, रोज़ जीता हूँ रोज़ मरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। आहा, दोस्त मेरे मार्क्सिस्ट हैं, लेकिन डिनर उन्होंने लेनिन के साथ करना है, क्या ये खुला तजाद नहीं? हम जा रहे हैं छोटी सी। लेकिन देखिए, मार्क्सिस्ट होते हुए अगर आप लेनिन के साथ डिनर करेंगे तो मार्क्स को तो बुरा लगेगा। खैर, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाने, वक्त कमिंग राइट बैक। चॉकलेट टाइम्स, और जवाब को हम ले आए हैं हॉट से हॉटेस्ट सीट के ऊपर। और आप सोच रहे होंगे कि ये टिक टिक वाला म्यूज़िक ये हो क्या रहा है एकदम से। देखिए, हमने आपकी खातिर, आपकी मोहब्बत में हरी मिर्चें जो हैं वो उठा दी, नहीं रखी इसलिए कि आप कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन अब तल्ख और सख्त सवालों का जवाब आपने देना है, ठीक है? पहला मेरा सवाल होगा आपसे कि अच्छा, मैं सवाल करूँगी, आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे तो आपको हम चॉकलेट देंगे, अगर आप नहीं देंगे तो हम आपको मिर्चों वाले चिप्स खिलाएंगे। अब कुछ तो हमने मिर्चों वाला खिलाना है आपको, ठीक है जी? अब पॉलिटिशियंस में, सिंगर्स में, कौन सा है खोटा सिक्का जो किसी को कबूल नहीं है? किस पे फिट बैठती है ये बात, खोटा सिक्का जो किसी को कबूल नहीं है? शेख रशीद। वाह, वेरी नाइस। और जनाब, सही जवाब देने पर और जवाब देने पर हम जवाद अहमद को खिराज तहसीन के साथ साथ चॉकलेट भी पेश करते हैं। अच्छा जी, कौन सा है वो पॉलिटिशियन या सिंगर जिसके लिए आप कहेंगे दूर के ढोल सुहाने? दूर के ढोल सुहाने? नहीं, मैं खा लेता हूँ, मेरा ख्याल है। बिल्कुल खा लीजिए, क्योंकि हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। दूर के ढोल सुहाने, हम ये भी मतलब किसी सिंगर का भी नाम ले सकते हैं आप, कि अच्छा भाई सिंगिंग से थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अच्छा, दोनों के बारे में, क्योंकि दोनों मेरी फील्ड्स हैं, पॉलिटिक्स और। लेकिन अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आप मतलब इंजीनियर्स के ऊपर कुछ कह दें, कि जो आपकी फील्ड है उसी के हवाले से हम कहेंगे। खैर, दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर किस पॉलिटिशियन या किस सिंगर पे फिट बैठता है? इमरान खान पे। आई न्यू इट, ये लेंगे इमरान खान का नाम। और स्पेशली जबकि आपको पाला भी उसी समुद्र में गया हो। आहा, उसके बाद तो फिर गलत है ना ये। मगर मत से बैर तो नहीं लिया जा सकता। अच्छा जी, जैसी करनी वैसी भरनी। एक नाम आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, मैं पहले ही बता दूं आपको, नवाज शरीफ। अच्छा, जैसी करनी वैसी भरनी, उन्होंने भी जो कुछ किया था उसका उन्होंने फल देखा है। वो वापस आएंगे तो बड़े अरसे के बाद ही आएंगे वापस। बिल्कुल, मतलब काफी लंबी ब्रेक के बाद उनकी वापसी होगी। और ये तीसरे सवाल के जवाब पर, वो भी उसी समंदर के अंदर, उनको भी पाला गया था, उन्होंने भी वही काम किया था, फिर वही मगरमच्छ को आंखें दिखाई। हां, दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द सेम बेनिफैक्टर। ओके, सो नीम हकीम खतराए जान, कौन सा है वो पॉलिटिशियन जो इस वक्त नीम हकीम खतराए जान है, या कौन सा है वो सिंगर जो म्यूजिक के लिए नीम हकीम खतराए जान है? नीम हकीम, मुस्कुरा रहे हैं वीना वीना, लेकिन जवाब नहीं देना देना। हाँ, मेरा ख्याल है। अच्छा जी, कौन सा पॉलिटिशियन है कि जिसके ऊपर ये मुहावरा फिट बैठता है, या कौन सा म्यूजिशियन है या सिंगर है जिसके ऊपर ये मुहावरा फिट बैठता है कि भैंस के आगे बीन बजाना? मेरे ख्याल मैं खुद ही हूँ। और वो क्यों? क्योंकि मैं तो, जो मेरा
दिल करता है, मुझे ठीक लगता है, मैं वो करता हूँ, चाहे बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कोई कहता रहे। ओके ओके ओके, तो अपना नाम लेने पर मैं जवाद अहमद को चॉकलेट पेश करती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये सब मुहावरे हैं, आपको पता है? बिलावल भुट्टो सरदारी। ओके, और बड़े मियाँ ऑब्वियसली बिकम्स आसिफ सरदारी। आसिफ सरदारी, ओके, और ये आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखें, ये जो जागीरदारों की सियासत है ना, ये ख़त्म नहीं हो रही पाकिस्तान में। okay. ये पार्टीज़ में मौजूद हैं, ये पार्टीज़ इनके नाम पे चलती रहती हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जब तक इनको इनकी अपनी पार्टीज़ के अंदर से लोग रिप्लेस नहीं करेंगे ना, तो यही फिर चलता रहेगा। और वो जैसे कहते हैं ना, इलेक्टेबल्स वाला मामला, फ्यूडल्स वाला मामला, फिर ये जो एक तीसरी चीज़ होती है मौरूसी सियासत, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ख़त्म होनी चाहिए। तो मौरूसी सियासत को ख़त्म करने के नाम पर हम आपको ये चॉकलेट जो है तोहफे में देते हैं। अच्छा जी, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कौन सा पॉलिटिशियन है जो खुद को मान ना मान मैं तेरा मेहमान बनाता है, या सिंगर? मेरा ख्याल आजकल मरियम नवाज शरीफ हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, हाँ, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आके ना तकरीरें करती हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि बहुत से लोग जो है ना वो नहीं सुनना चाहते उनकी तकरीर। okay. फिर वही मामला है कि वही फैमिली है, उसी तरह चलता जा रहा है सारा कुछ, और मेरा ख्याल है फिर वही बात कि ये ख़त्म होना चाहिए, अब नए लोगों को, आम लोगों को बल्कि आगे आना चाहिए, आम लोगों को जगह मिलनी चाहिए उन बड़ी पार्टियों में जो एक बंदे के नाम से चल रही हैं, और बाप पर पूत पिता पर घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये नहीं होना चाहिए सियासत में, मतलब होना चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि पार्टियाँ सिर्फ एक ही नाम से चले। ये मेरा नहीं, जवाब साहब का कहना है, ये आपकी चॉकलेट है जनाब। ये बताइए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, किस पर फिट बैठती है ये बात? आप जवाब देंगे या चिप्स खाएंगे मसाले वाले, ये आपने फैसला करना है। देखिए, मैं इस बात का ना आंसर सिर्फ एक पहले जुमला बोल के दूंगा जी, कि यही होता रहेगा जो आप कह रही हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी ये उसी की है शुरू से, एस्टेब्लिशमेंट की है, और यही होता रहेगा जब तक के अवाम के रूट्स में से लीडर्स नहीं निकलते और अवाम के रूट्स में से पार्टी नहीं बनती, तो ऐसे ही होता रहेगा। ओके, सो इस पे इंतहाई मोदबाना तरीके से हम आपको चॉकलेट देते हुए जनाब याद किया है, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। छोटा मुंह बड़ी बात, कौन सा सिंगर है, कौन सा पॉलिटिशियन है जिसे आप कह सकते हैं सेफली के छोटा मुंह बड़ी बात, यानी इतनी बात नहीं है उसमें? मैं फिर कहूँगा कि लोग तो भी यही सोचते होंगे आजकल के, वो मैं ही हूँ। अच्छा, हाँ, वो लोग सोचते हैं कि देखें तीन इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं और ये अकेला लगा हुआ है जी, बराबरी पार्टी, बराबरी पार्टी, इसका क्या बनना है? लोग कहते भी हैं, इनको पता नहीं है कि हिस्ट्री इन्होंने पढ़ी नहीं है, इनको पता नहीं है कि जब लोगों को चल जाता है ना पता कि अब जो मौजूद है ना इनमें से किसी ने कुछ नहीं देना, यकीन हो जाता है, तो फिर वो एक नई पार्टी को या नए लोगों को ही देखते हैं, उससे तक इंतजार करना पड़ता है, उनकी बातें भी सहनी पड़ती हैं। मेरा ख्याल है मेरे पे ही आता है इस वक्त। ओके, अच्छा, अब ऑफ द टॉपिक बात है, लेकिन एक सवाल मुझे आ गया है, अगर आपको आपको एस्टेब्लिशमेंट जिसकी लाठी है उससे आपको ग्रीन सिग्नल मिले कि आपको हम पार्टी को आपको लेकर आते हैं, तो बताएं आप वो एक्सेप्ट करेंगे? आपका क्या ख्याल है कि मुझे कभी नहीं उन्होंने कहा होगा? डेफिनेटली मिला होगा, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता, देखिए। अच्छा, नहीं, मैं एज अदारे पाकिस्तान के तमाम अदारों की इज्जत करता हूँ, बिल्कुल, और प्यार भी करता हूँ उनसे, होना भी चाहिए। मेरा तो गाने भी हैं लोग अदारों के लिए भी, इवन आप कह सकते हैं दोस्ती के अंदर एक दिखाया गया पूरा पूरा पैगाम है, बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपली फौज का या एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए। जब हम ये कहते हैं तो फिर हम कैसे खुद ब खुद ये रोल ले सकते हैं? हम नहीं ले सकते। ओके, लेकिन जवाब यहाँ पे एक सवाल और भी बनता है, वैसे ये पॉलिटिकल शो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने पॉलिटिकल सैटायर में काम किया तो अब सवाल आ रहे हैं जोर जोर से, तो मैं कर ली हूँ। एक और सवाल है, बेशक ये बाद में इन्होंने पता नहीं लगाते हैं नहीं लगाते, लेकिन फिर भी ये बताएं कि ये तो हमेशा से चलता है और पूरी दुनिया में एक एस्टेब्लिशमेंट होती है और उसके मुताबिक ही चीज़ें चलती हैं। अमेरिका देख लें, यूके देख लें, किसी भी बड़ी रियासत में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता मेरे हिसाब से। तो जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम एस्टेब्लिशमेंट पे उंगलियां उठानी शुरू कर देते हैं, ये क्यों? अच्छा, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एस्टेब्लिशमेंट है क्या। एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली वो पावर का
एक सोर्स होता है, बैकबोन होती है एक जो की मैं तो समझता हूँ कि बैकबोन से भी ज्यादा वो पावर के स्ट्रक्चर के अंदर उसका इंटेग्रल पार्ट्स होते हैं. एस्टैब्लिशमेंट एक चीज कभी नहीं होती. यहाँ पर कौन सा अदारा सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो उसका हेड होता है एस्टैब्लिशमेंट का. कई मुल्कों में एस्टैब्लिशमेंट के हेड जो होते हैं उनकी पार्लिमानी निज़ाम ही होते हैं या उनके इलेक्टोरल निज़ाम जो हैं वो होते हैं, लेकिन बाकी इदारों की भी अपनी अपनी अहमियत होती है. पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ का जो पार्लिमान है उसके अंदर हमेशा से जागीरदार सरमायादार रहे हैं, आम लोग नहीं रहे. आम लोगों की कुव्वत भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा जो कॉन्शियस जो कुव्वत थी जिसके साथ लोग जुड़े थे बाकायदा अपनी दिमाग के साथ शऊर के साथ वो कभी नहीं हुई. तो वो उस वक्त हुई थी और लोग जुड़ गए थे साथ, तो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के अंदर पार्लिमान का सबसे बड़ा रोल था. आपने कुछ अरसे के लिए सारे अदारे पीछे हो गए थे, सिर्फ ये सबसे बड़ा अदारा था. अब एस्टैब्लिशमेंट के अंदर इसका रोल नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग जो हैं, मैं फिर कहूँगा, ये लोग भी ठीक नहीं है. अच्छा. क्योंकि सियासतदान जितने भी आपके आपके सामने हैं, किसी को कुर्सी का शौक है, किसी को दौलत का शौक है, किसी को तोशा खाना का शौक है, किसी को ताकत का शौक. वही ना, तो असल में लोगों को लीडर होना चाहिए कि वो लीडर बनाए आगे. सही. लीडर वही होता है जो लीडर बनाता है. ये लोग लीडर नहीं बनाते, ये खुद ही कहते हैं मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मैं खुद ही कुर्सी पर आ जाऊँ, और बाकी तमाम लोग जो हैं वो देखते रहे कि मैं क्या करता हूँ उनके लिए. चलिए अगला सवाल है, काम थोड़ा बातें ज्यादा, ये मुहावरा किस पे फिट होता है? ये तो मेरे पे बिल्कुल नहीं होता वैसे. आप ऑलरेडी दो जगह नाम ले चुके अपना, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे. काम तो मैं बहुत करता हूँ, मसला वही है ना कि इस वक्त वो रूम नहीं है. अच्छा, काम थोड़ा बातें ज्यादा. अब आपने इमरान खान का क्या नाम दोबारा नहीं लेना. अच्छा, नहीं तो नाम तो उन्हीं का बनता है. अच्छा, अब दोबारा इमरान खान का नाम नहीं है. चलिए, काम कुछ भी नहीं और बातें बहुत ज्यादा, और अभी भी बातें ही हैं. अच्छा, अभी वो दोबारा भी आ जाए ना तो यही कुछ करेंगे जो पहले किया था, और लोग जो उनको समझ नहीं आ रही. नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी खुद को सियासत नहीं आती लोगों पर इल्जाम, खुद को गाना नहीं आता लोगों पर इल्जाम. वजीर खजाना असद उमर जब बने थे ना, तो मेरा ख्याल असद उमर ओके. और क्यों? क्योंकि आता कुछ नहीं था. वजीर खजाना बन के आ गए, 9-10 महीने बाद इमरान खान ने बाहर निकाल दिया. सही बात. और वो उनको इकोनॉमी का अरस्तू कहते थे वो. सही, सही. इसी तरह ही होता है. तो इकोनॉमी का अरस्तू तो खैर फेल हो गया. वैसे उस्मान बुज़दार पे भी आता है. हम आपने एक नाम लेना था, आपने दो ले दिए. खैर, हम चॉकलेट आपको एक ही देंगे. ये रही आपकी चॉकलेट. अच्छा, आखिरी सवाल अब आपसे. पांच वो पॉलिटिशियंस जिनको आप अपने साथ शो में भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कौन है? बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मतलब आप उनके साथ टेबल पे बैठ के बात ही नहीं हो सकती. दे आर सो फुल ऑफ देमसेल्व्स. है ना ऐसे पॉलिटिशियंस हमारे पास? अच्छा, मुझे चलें लेस कर लें, जिनको बस आप डिस्टर्ब होते हैं उनसे, आप वो कौन से? मुझे शेख रशीद बहुत डिस्टर्ब करते हैं. अच्छा, ओनली शेख रशीद? नहीं, उसके बाद फिर बहुत से और हैं. लेट्स जस्ट नेम देम वन बाय वन. लेकिन वो ही बात वही है कि क्या जरूरत है उनके नाम लेने की, मैं खा लेता हूँ. जनाब जवाब ने दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सवालों के सही जवाब. यानी वही खुद ही सवाल करते हैं हम और जवाब देते हैं वो, और जवाब उन्होंने सही दिए हैं और दिल से दिए हैं. हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना. स्टे विद अस.
छह मिनट का गाना है। अच्छा अच्छा, सवा छह मिनट, यानी आपने इतना लंबा गाना हमें नहीं सुनाना है। अच्छा जी जवाब, आपका पहला क्रश कौन था? कभी तो हुआ होगा ना, अब ये मत कहिएगा कि कभी क्रश ही नहीं हुआ। नहीं था, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। वो स्कूल में था, कह दें कोई कॉलेज में था। हाँ, स्कूल में ही था मेरा ख्याल। अच्छा, कितने साल? मैं आई स्टडीड एट स्कूल विच वाज कोएजुकेशन, तो इसलिए नेचुरल सी बात होती है। तो कितने साल के थे आप? क्लास 5 में? नहीं नहीं, 5 6 में तो नहीं था। हां, लेकिन बहरहाल। अच्छा, और अगर हम पाकिस्तान का पूछे, विनोना राइडर तो होगी, पाकिस्तान में कौन है? बाबरा शरीफ अच्छी थी, और मतलब खोदा पहाड़ और निकला चूहा, मैं आजकल की बात कर रही हूँ, वो पीछे बाबरा शरीफ के पास जा रहे हैं। सारी अपनी अपनी जगह में ना बहुत अच्छा काम करी है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट इन पाकिस्तान टू बिकम एन एक्ट्रेस और अ मॉडल और अ डांसर इवन और अ सिंगर। तो मेरा ख्याल, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ दोस वुमेन हु आर इन द इंडस्ट्री। आपने तो जवाब नहीं देना, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। साहिर अली बग्गा अगर सिंगर ना होते तो क्या होते? म्यूजिक डायरेक्टर होता जिस तरह वो पहले तो वो है, था वो तो है। और उनके अलावा अगर कुछ और होते तो क्या होते? मेरा ख्याल है कि शायद इंजीनियर होता। ओके, डॉक्टर भी हो सकते थे वैसे। नहीं नहीं, इंजीनियर डॉक्टर ना होता। अली जफर। अली जफर, अली जफर मेरा ख्याल है वो डॉक्टर होता शायद। डॉक्टर मुझे लगता है वो वकील बहुत अच्छे होते। अच्छा, सज्जाद अली। सज्जाद अली को देख के नहीं लगता कि वो इसके अलावा कुछ हो सकता था। एक्चुअली मैं नाम नहीं ले सका उनका, मुझे बड़ा अफसोस है। वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स दैट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड, मतलब इन ट्यून, सुर में, सुर में। क्या खूबसूरत बात है। जुनैद जमशेद, अगर वो जुनैद जमशेद तो जो थे वो बेस्ट थे। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बिल्कुल कहता। अच्छा, जुनैद जमशेद अच्छा। हम जैसे ही था, बस वो नाम उसका बहुत बड़ा बन गया था क्योंकि दिल दिल पाकिस्तान गा दिया था, तो वो पाकिस्तान टेलीविजन में चलता था। हमारा साथ सबके साथ ये हुआ। अच्छा, हम सब स्टार्स, सो कॉल्ड जो भी स्टार्स कहते हैं लोग, वो बन गए इसलिए क्योंकि एक टेलीविजन था, उस पर हर वक्त चलते रहते थे, गाने अच्छे बनाने थे बस। जिसने जो गाना अच्छा बना लेता था वो हिट हो जाता था। सही। चैनल तो कोई था नहीं। Okay. Everybody had to watch that television. तो ये had to जो थे ना, वो फिर बाद में। मेरा ख्याल है जुनैद इंजीनियर ही होता क्योंकि जुनैद इंजीनियर था। इब्रारुल हक। मेरा ख्याल है वो सियासतदान होता, जो रिवायती सियासतदान जो होते हैं। Okay. ये होता। वैसे वो टीचर भी रहे हैं पाक स्टडीज के। वो टीचर तो वो खैर कहीं से नहीं लगता, लेकिन वो सियासतदान होता। अच्छा जी, आरिफ लोहार। आरिफ लोहार, द मैन विद द गोल्डन हार्ट। यस, एंड द गोल्डन वॉइस। हाँ, मतलब वो आरिफ लोहार जो है ना, वो उनका ये है, मैं उनको पता कैसे जानता हूँ? आरिफ भाई एक कैफियत का नाम है। हाँ, जब मैं जुपिटर्स में था ना, तो ये मैं, मतलब मैंने जवाद अहमद को नहीं जानते थे लोग, जिस तरह वो जुपिटर्स के लीड सिंगर के तौर पर लोग जानते थे। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, वो जमाना था, तो इन्होंने मुझे जब भी देखना ना टेलीविजन पे के शो पे किसी आ जाते थे, तो हम कभी कभी जुपिटर्स चला जाता था कोई करने, तो ये मुझे बड़ा प्यार करते थे, मुझे गले लगाते थे। यार मेरा पता नहीं, मुझे प्यार में हीरो भी कहते थे उस जमाने में, मैं यंग था बिल्कुल। तो इन्होंने मुझे बड़ा प्यार किया हुआ और बड़े दिल वाले आदमी है। हाँ, तो लेकिन अगर ये क्या होते हैं तो क्या होते? मीशा शफी। मीशा शफी वुड हैव बीन एन एक्टर, लेकिन वो एक्चुअली अभी भी वो एक्टिंग करती हैं। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि उनके अंदर एक्टिंग का काफी पोटेंशियल है। ओके, आतिफ असलम। मेरा ख्याल है, अजीब सा एक ज़हन में आया, मुझे लगता है शायद वो किसी कॉलेज का प्रोफेसर होता। आहा, क्या बात है। वैसे जिस कॉलेज के वो प्रोफेसर होते हैं, वहां लाइनें लगी होती कि ये वाले सर से जो है ना अपना वो कराना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अगर वो गाना ना गाता होता तो फिर सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं। वो तो गाना गाने से स्टार बना ना। प्रोफेसर होते तो पता चलता है, नसीबो लाल अगर सिंगर ना होती। मेरे ख्याल हाउसवाइफ होती हैं। अच्छा, लगता है उनको देख के हाउसवाइफ होती। हाँ जी। शाजिया मंजूर। शाजिया मंजूर बहुत अच्छी खातून है। यस, अगेन शी इज अ वुमन विद अ गोल्डन हार्ट। बहुत अच्छी कंपैशनेट अफेक्शनेट औरत है। वो टीचर होती। टीचर होती। हाँ, क्या बात है, बड़ी खुले दिल वाली टीचर होती। अच्छा जी, फवाद खान, ये लास्ट है, उसके बाद मैं अगला आपसे छोटा सा सेगमेंट। फवाद खान वैसे ही बड़ा हैंडसम आदमी है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो एक्टर सिंगर ना होते तो क्या होते? मेरे ख्याल फवाद को मैं जब से जानता हूँ ना, ये
ये बड़े मज़दार सही आदमी है। मैं जब जुपिटर्स में था ना, उस जमाने में भी फवाद के साथ जब भी मिलता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, काइंड एंड एम्पैथेटिक फेस। ओके। और मुझे लगता है कि ही इज़ अ वेरी हैंडसम मैन ऑल्सो, ही प्रॉब्ली वुड हैव बीन सक्सेसफुल इन एनी फील्ड ही वुड हैव चोजन, मेरा ख्याल है। ओके। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इंडिपेंडेंस वीक है और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान के लिए खूबसूरत सा गाना अगर आप सुना दें तो हमारी मतलब रूह भी ताज़ा हो जाएगी और हमारा परचम जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अपना मैसेज भी दे दें। थैंक यू सो मच जवाद आपके आने का, आपकी इस मोहब्बत का, आपके बुलाने का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई होप यू लाइक्ड इट। हां, आई लव्ड इट। आई लव बीइंग हियर। दैट्स ग्रेट। तो फिर अपना पैगाम भी दे दें और फिर उसके बाद हम गाने की तरफ चलते हैं। पैगाम तो यही है कि पाकिस्तान के जितने भी नौजवान मुझे देख रहे हैं, आप लोगों ने ही इस मुल्क के अंदर सियासत करनी है आगे जाके, लेकिन कोई करने नहीं देगा सिवाय हमारे, तो इसलिए आप आए। मैं तो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मुझे कुछ बनने का शौक नहीं है, मैंने जो करना था कर लिया लाइफ में। आप आए इलेक्शन लड़ें, हमारा प्लेटफॉर्म है आपके लिए बराबरी पार्टी। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बना ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि सिर्फ आम लोगों की पार्टी है। हम कहते हैं बराबरी पार्टी, आम लोगों की पार्टी, आपकी पार्टी है, इसको चलाएँ, इसको आगे लेके चलें, पार्लियामेंट में जाएँ, अपने तबके के लिए कानून साजी करें, अक्सरियत में जाएँ और पार्लियामेंट पर कब्जा कर लें। तो हम ये चाहते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप आएंगे और इस पार्टी को चलाएंगे भी और बढ़ाएंगे भी। ये पीसफुली कब्जे की बात कर रहे हैं, जबरदस्ती कब्जे की बात नहीं कर रहे, बिकॉज़ ही इज अ वेरी पीसफुल मैन। जनाब, अब आपसे रिक्वेस्ट है, अपना गीत एक सुना दीजिए हमें। मैं बिल्कुल सुनाता हूँ आपको, मैंने भी मिक्स रीमिक्स किया है इसको, दोस्ती को। अच्छा, तो मैं वही सुनाता हूँ आपको और मुझे लगता है कि लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी। हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुवत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। हो तेरा
मेरे यार, तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत। तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत।